हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि एसबीआई जो है 14,000 करोड़ का फंड जो है बॉन्ड के माध्यम से रेज करने वाली है। दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई का स्टॉक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसबीआई को जो है परमिट मिलने वाला है 14,000 करोड़ का बॉन्ड रेज करने का वाया बैसल 3 कंप्लेंट बॉन्ड। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बैसल 3 कंप्लेंट बॉन्ड क्या होता है। तो बैसल 3 कंप्लेंट बॉन्ड जो है ये एक्चुअली में जो बैसल 3 अकॉर्ड्स है, ये बैसल 3 अकॉर्ड्स क्या होता है कि जो 10 कंट्रियां हैं, कोई जो मेन में 10 कंट्रीज हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक हैं उनका एक ग्रुप है। उनका जो काम होता है कि इंश्योर करना कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इनफ कैपिटल हो ताकि वो अपने ऑब्लिगेशंस को या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उसको जो है ओवरकम कर सके। तो जैसे अभी मैं बात करूं, इसे कोरोना आ गया था जिसके कारण कई छोटे छोटे मोटे जो कारोबार थे वो ठप हो गए थे, जिसके कारण बैंकों में काफी ज्यादा एनपीए बढ़ गया था और थोड़ा बैंकों को काम करने में दिक्कतें भी आ रही थी। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए एसबीआई ने जो है 14,000 करोड़ का जो है बॉन्ड रिलीज करने का सोचा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है मीटिंग हेल्ड हुआ था 21 जून को और वहां पे अप्रूवल मिला था ताकि वो रिलीज कर सके 14,000 करोड़ का बॉन्ड इन यूएसडी आर आईएनआर। तो दोस्तों, जिनके पास ये स्टॉक पहले से ही है एसबीआई के, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है क्योंकि उनका जो है काफी अच्छा, देखिए जैसे ये न्यूज सामने आया था 1.64% जो है एसबीआई रेज हुआ था और वो 419 पे बंद हुआ था। तो दोस्तों, ये जो 14 करोड़ का बॉन्ड रेज होने वाला है वो 10-10 लाख के बॉन्ड्स के रूप में रेज होगा और इनका जो ड्यूरेशन होगा वो 10 साल के लिए होगा और इन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो करीब 6 पॉइंट जो इंटरेस्ट तुम्हें आपको बैंक देगा वो होगा आपको 6.5 से 6.7% तक। तो दोस्तों, जिनके पास ये स्टॉक है उनका तो ये बल्ले बल्ले हो गया है। और दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो जब भी ये स्टॉक 20 मूविंग एवरेज पे आता है तो इसको आप जरूर बाय करिएगा क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। और दोस्तों, जो ये बॉन्ड के थ्रू जो पैसा रेज कर रही है ये एसबीआई, वो जो है अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनके जो लोन जो हुए हैं, जो एनपीए हुए हैं, उनको जो है थोड़ा सा कंपनसेट करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब तो इसे आरबीआई ने भी परमिट कर दिया है तो अब कोई इश्यू नहीं है और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है स्टॉक होल्डर्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आने वाले समय में ऐसे ही न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।